गाइस, वेलकम टू तेजस्विनीज डीआईवाई। आज हम ये दो फटाफट बनने वाले वॉल एलिमेंट्स देखेंगे जो कोई भी बना सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट डीआईवाई में मैंने कार्डबोर्ड के चार पीसेस कट कर लिए हैं, जिनको मैंने हेक्सागोन शेप में कट कर लिया है। आप यहाँ पे कोई भी शेप प्रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक कोई भी जो ब्लाउज के पीसेस बच जाते हैं या कोई भी क्लॉथ मटेरियल जो रहते हैं, वेस्ट मटेरियल, उनके जस्ट पीसेस मैंने लिए हैं। आप कोई भी पीस ले सकते हो। इसको जस्ट हमको ये जो हेक्सागोन शेप है उसके जो हाफ पोर्शन है उस साइज में कट कर लेना है। रफली कट करना है, नो नीड टू थिंक अबाउट द साइज। जस्ट मैंने यहाँ पे रफली कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने हाफ पोर्शन प्रिंटेड में और हाफ पोर्शन प्लेन लिया है, ताकि हाफ हाफ शेड में काफी अच्छा लगेगा। स्टिक करने के लिए यहाँ पे मैंने तो ग्लू गन का यूज किया है, बट अगर आपके पास में ग्लू गन ना हो तो नॉट टू वरी, आप फेविकॉल का भी यूज करके इसको अच्छे आराम से चिपका सकते हो। क्लॉथ आराम से इस पे स्टिक हो जाएगा। एजेस पे फिनिशिंग अच्छी है, इसीलिए हम एजेस पे क्लॉथ को कट कर लेंगे और बाद में स्टिक करेंगे, तो काफी अच्छे से स्टिक हो जाएगा। एंड नाउ हमको सेम वे में अदर पार्ट ऑफ क्लॉथ भी स्टिक कर देना है। आप देख सकते हो जो फर्स्ट क्लॉथ का जो अनइवन पोर्शन था, मैं उसी के ऊपर नेक्स्ट क्लॉथ को स्टिक कर दूंगी, ताकि हमारा जो ये अनइवन पोर्शन है वो कवर हो जाएगा और कोई भी एक्स्ट्रा के जो थ्रेड्स है वो विजिबल नहीं होंगे। एज यू कैन सी कि जो मैंने सेकेंड क्लॉथ कवर किया था उसके ऊपर मैं फिर से ग्लू गन स्टिक कर रही हूँ, ताकि जो हमारे सेकेंड क्लॉथ के जो भी कोई थ्रेड्स होंगे उससे कवर हो जाएंगे और हमको एक इवन पोर्शन मिलेगा। सो इट्स दैट सिंपल गाइस। और अभी हम इसको फटाफट से स्टिक कर देंगे। सेम प्रोसीजर है, कोई भी टेंशन का काम नहीं है इसमें। तो ये अब हमारा एक आर्टवर्क बनके रेडी है। ऐसे ही मैंने फोर पीसेस रेडी कर लिए हैं। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा और इनहांस करना था, तो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स जो मेरे पास में थे मैंने उसका यूज किया है। मैं इसको जस्ट थ्री साइड्स में लगा दूंगी, तो ये और थोड़ा एक अच्छा इफेक्ट देगा। नाउ टेंटेडन, विदाउट कुछ किए घर का ही सारा सामान यूज करके हमने एक अच्छा सा वॉल डेकोर बना लिया है। और सच में गाइस, ट्रस्ट मी, ये दिखने में बड़ा ही क्लासिक लगता है। सेकेंड डेकोर के लिए मैंने यहाँ पे 30 cm × 30 cm के फोर कार्डबोर्ड पीसेस स्क्वायर शेप में कट कर लिए हैं। अगर आपके पास में ऐसे ना हो तो आप पेपर, थिक पेपर भी यूज कर सकते हो। इसके ऊपर हमने रफली कोई भी एक अच्छा सा डिजाइन बना लेना है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हो या फिर आप पिनइंटरेस्ट को भी रिफर कर सकते हो। सेम मैंने अभी कटर का यूज करके इसको कट कर दिया है। यहाँ पे जो गोल्डन स्प्रे मैं दिखा रही हूँ ना, मैंने उसका यूज करके पूरा जो फोर पीसेस है उन सबको अच्छे से इवनली कोट कर दिया है। मैंने गोल्डन कलर ही यूज किया है। आप कोई और भी कलर प्रिफर कर सकते हो आपके वॉल के हिसाब से या फिर उसके कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से। अभी मैंने 3D आउटलाइनर का यूज करके जो भी हमारे जो एजेस है उसको और थोड़ा अच्छा फिनिश देने के लिए मैंने यहाँ पे गोल्ड आउटलाइनर यूज किया है, ताकि ये थोड़ा स्पार्कलिंग लगे, अच्छा दिखे। चारों जो फ्रेम्स है वहां पे मैंने जूट रोप का यूज करके अच्छे से उनको बॉर्डर आउट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छे लगते हैं वॉल पे, ट्रस्ट मी गाइज। सो गाइज, ये थे घर के लिए आसान से दो वॉल डेकोर। फॉर मोर सच वीडियोज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू तेजस्विनीज DIY।